नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बोलूंगा कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया वो कभी भी लाइफ में टाइपिंग के एग्जाम में कभी मार नहीं खाएगा। तो दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, सीएसएफ हो, या फिर दिल्ली पुलिस का जो टाइपिंग टेस्ट हो, वो जो भी एग्जाम हो, इस तरीके के जो टाइपिंग के एग्जाम होंगे, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी लाइफ में आप फेल नहीं होंगे। तो टाइपिंग जो टेस्ट होगा आप हमेशा उसमें पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। तो जो फर्स्ट मिस्टेक्स है वो लोग टाइपिंग मास्टर पर आपको टाइपिंग नहीं करनी है। जो टाइपिंग मास्टर पर जो बच्चे टाइपिंग करते हैं तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस स्पीड है वो नहीं बन पाती है। तो हमें सबसे पहले तो टाइपिंग मास्टर पर टाइप नहीं करना है। अगर सेकंड बात की जाए तो एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जब बार बार आप एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करते हैं तो उसमें जो आपके जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीटेशन होते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जबकि हमें हमेशा चेंज करके पैराग्राफ को ही टाइप करना चाहिए। बार बार एक ही पैराग्राफ को टाइप नहीं करना चाहिए। अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो टाइप करते हुए भी कभी भी लेफ्ट अंगूठे का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेस के लिए जो हम यूज करते हैं तो ये जो राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड का थंब यूज करते हैं, ना कि लेफ्ट हैंड का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कई बार जो हमारी हैंड की पोजिशन होती है वो भी गड़बड़ होती है। जैसे कई लोग ऐसे उस पर टिका लेते हैं, तो हमें हमेशा उसमें अलर्ट पोजिशन में रखना है। तो हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना है और कीबोर्ड की तरफ भी नहीं देखना है। कुछ एक बच्चों की आदत होती है कि वो ऐसे ऐसे कीबोर्ड में यूं देखते हैं कि कहां कौन सी की स्ट्रोक है, जबकि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उंगलियों को पता है कि कौन सी की कहां है, तो आपकी उंगली जो आपकी फिंगर है वो बिल्कुल सटीक जाएगी। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमें यूज करनी है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करते हुए हमें सबसे पहले नोटपैड में ही टाइपिंग करनी चाहिए। कभी भी एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड में कभी भी टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में जो हमारी करेक्शन होती है वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन कई बार उसमें इनेबल होता है, तो हमारी जो एरर है वो सही तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते और अपना इवैल्यूएशन ठीक से नहीं कर पाते। और बात की जाए तो नोटपैड में हमें करने के बाद जो किस तरीके का जो कंटेंट है या मैटर कहां से लें, तो हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर से हमें टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो हमें पैराग्राफ मिलता है वो हमेशा कोई भी जनरली इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही संबंधित होता है। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही टाइपिंग करनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ एक बच्चे जब टाइपिंग करते हैं तो बैकस्पेस का रेगुलरली यूज करते हैं, तो हमें बैकस्पेस का जो यूज करना है वो बिल्कुल ही कम से कम करना है, और हो सके तो करना ही नहीं है, क्योंकि बैकस्पेस स्पीड को भी डिक्रीज करता है, तो इसलिए बैकस्पेस को अवॉइड करना है। उसके बाद बात की जाए कि जो टाइमिंग हमने तैयार करनी है, जो सेट करनी है, वो 10 मिनट की टाइमिंग सेट करके एक अलार्म सेट करने के बाद तब हमें टाइपिंग की तैयारी करनी है। एक 10 मिनट्स का अलार्म हम सेट करें, उसके बाद हम एग्जाम को स्टार्ट करें, यानी कि अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करें, और दिमाग में बिल्कुल एक बात को क्लियर रखें कि जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं या टाइपिंग सेंटर में हम अपना एग्जाम दे रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, उसी तरीके का खुद को अंदर से मोटिवेट करें कि ऐसा फील करें कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और उसी तैयारी और उतने ही ईमानदारी के साथ अपना टेस्ट दें, और उसके बाद जो आपने नोटपैड पे आपने पूरी 10 मिनट में टाइप किया है उसको वहां से कॉपी करके आपको एमएस वर्ड में पेस्ट करना चाहिए। वहां पर आपको जो रेड कलर की जो लाइनिंग शो होंगी वो मोस्टली एरर होती है, तो वो अपनी एरर वहां से काउंट करें, और जितने भी आपने 10 मिनट्स में जो टोटल वर्ड काउंट के हिसाब से जो आपके टोटल वर्ड हुए हैं उसके बाद उसको 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वर्ड्स पर मिनट स्पीड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने 450 वर्ड्स 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किए हैं, तो मैं डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो मेरी स्पीड आएगी 45, तो मेरी इट मीन्स मेरी स्पीड हुई 45 वर्ड्स पर मिनट। तो ये है हमारा जो स्पीड मेजरमेंट का सिस्टम। उसके बाद मिस्टेक्स की बात कर ली जाए कि मिस्टेक्स किस तरीके की हो, तो देखिए दोस्तों, मोस्टली जो मिस्टेक्स के बारे में नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई होता है कि इसमें कितनी परसेंट मिस्टेक हमारी जो है वो परमिसेबल है। तो मोस्टली जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हुआ, चाहे वो दिल्ली पुलिस हुआ, तो उसमें 5% हमारी जो
हमें रिबेट मिलती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें मिस्टेक्स करनी ही नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरी 99% एक्यूरेसी के साथ जो स्पीड आई थी वो आई थी 55 प्लस वर्ड्स पर मिनट स्पीड, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से मैं टाइपिंग करता हूं, और आप भी उसी तरीके से उन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे जैसे आप टाइप करते रहोगे तो हमें जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारी चीज़ें निखरती जाएंगी। अभ्यास का भी एक सिस्टम है, ऐसे नहीं कि हम लगातार कंटिन्यूसली हम रेगुलरली टाइप करते जा रहे हैं, हमें एक बारी सुबह और एक बारी शाम। जिस तरीके से हम 45 मिनट्स की दो शिफ्ट ले सकते हैं, तो हमें 45-45 मिनट की सुबह और शाम को टाइपिंग करनी जरूरी है। उससे क्या होगा कि जैसे आप सुबह एक बारी करते हैं, एक बारी सुबह बेसिक पे काम कर लिया, जो भी आपने बेसिक, एक मैं आपको परफॉर्मा प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिक फंडामेंटल हैं जो ASDF सेमीकोलन LKG जो हमारी होम की है उससे लेके बिल्कुल प्रैक्टिस तक उसमें बिल्कुल एक्सरसाइज दे रखी है, तो आपको सुबह जो 45 मिनट का जो सेशन करना है वो उससे करना है, और जो शाम का जो है वो आपका प्रैक्टिस रहेगा जो कि आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ एक बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली जो टाइपिंग करते हुए जो हैंड में वॉच पहनते हैं या फिर कड़ा डालते हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं पहननी है। अगर हम टाइपिंग करते हुए वॉच को और कड़ा आदि अगर हमने पहन रखा है तो उसको उतार दें, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं यूज करनी है, तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद जो पेज की पोजीशन है कि पेज किस तरीके से रखें, तो पेज हमेशा सामने रखना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो पेज है मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, और कीबोर्ड पर नोटिस नहीं करना चाहिए, कीबोर्ड की तरफ ध्यान ही देना चाहिए, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो हमारी जो फिंगर हैं उनको पता है कि जो की स्ट्रोक है वो कौन सा कहाँ है, कौन सी की काम करेगी, तो वही तो प्रैक्टिस है, वो हम कर ही रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पेज की पोजीशन हमेशा सामने, हो सके तो सामने रखिए, और हैंड की पोजीशन फ्रंट में रखिए, और हाथ का जो इसमें जो है बड़ा वैल्यूएबल रोल है। देखिए दोस्तों 40, 30, 35 की स्पीड बहुत लोगों की आ रही होगी, लेकिन जब हम इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं या तो फिर हमारे मिस्टेक्स बढ़ने लग जाती हैं पाती, तो उनका जो बेसिकली जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो उसका मेन रीज़न दो ही चीज़ें हैं, एक तो हमारी हैंड की पोजिशन, और दूसरा जितना हम हो सके सॉफ्ट प्रेस करें, क्योंकि अब टाइपराइटिंग का जमाना है नहीं कि हम पट 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 ऐसे हाथ मारें। अब जो सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट टच हमारा होगा, हमारी उंगली उतनी अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से मूवमेंट करेंगी, तो वो हमारे एग्जाम में काफ़ी हमें हेल्पफुल रहेगा, और वो हमें काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। उसके बाद एक बात, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे दो तरीके के बच्चे हैं, या तो जिनको टाइपिंग बहुत अच्छे से आती है जिसकी स्पीड है 35 या 40, जिनको स्पीड इंक्रीज करनी है, या फिर दूसरे बच्चे वो होंगे जो बिल्कुल अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे होंगे या सीख रहे होंगे। तो उन दोनों के लिए मैं एक बात बता दूं कि देखिए दोस्तों कि आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो थोड़ा सा जो प्रेशर होता है वो होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही वहां स्टार्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट काउंट करते हैं, तो हम जो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे जो ईयर्स हैं वो इतनी स्पीड में हमें आवाज़ सुनाई देती है कि हम एकदम से बिल्कुल हेजिटेट से हो जाते हैं, बिल्कुल घबरा से जाते हैं कि क्या हो रहा है, एकदम से बहुत तेज तेज की आवाज़ आती है, क्योंकि जो हमारे जो साइड में जो साथी बैठे हैं वो भी स्पीड में जो टाइप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो आवाज़ से एकदम से ऐसे लगता है कि मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमेशा जो स्टार्टिंग करनी है वो हमें बिल्कुल स्लो करनी है, क्योंकि आधा से एक मिनट हमें लगता है हमारी मोमेंटम को गेन करने में, एक सही मोमेंटम आने तक, तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल स्लोली करनी है, खुद पर विश्वास रखना है, मुझे पता है कि मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल होके जिस तरीके से। और एक बात का और भी आप ध्यान रख सकते हैं, जब आप घर पे जब 10 मिनट का जब अलार्म सेट करेंगे, तो आप अपने कोई रिलेशन में या अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी बोल सकते हैं कि आप मेरे पीछे या मेरे साइड में आप खड़े हो जाएं। उससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल एक एग्जाम के जो सेंटर जैसा फील होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई इन्विजिलेटर है या कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कोई बंदा है वो आके आपके पीछे खड़ा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कई बार जो है इफिशियंसी पे फर्क पड़ता है, या तो हमारे मिस्टेक्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर कई बार जो हमारी स्पीड जितने निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पाती। तो दोस्तों इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद
अगर मोटा मोटी बात की जाए तो यही सब चीजें हैं। अगर आप इन चीजों का यूज करेंगे तो मेरे 101% गारंटी है कि आपको अच्छी टाइपिंग से कोई नहीं रोक सकता और आपकी स्पीड विद इन 15 से 20 डेज जो है वो 50 प्लस के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन आपको बसरते इन चीजों का ध्यान रखना होगा जो मैंने बताया, टाइपिंग मास्टर को यूज नहीं करना है, एक पैराग्राफ को बार बार टाइप नहीं करना है, टाइप करते हुए जो लेफ्ट थंब है उसका यूज नहीं करना है क्योंकि जो हमारा बैक स्पेस है वो राइट हैंड का काम है, ना कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है। तो इस लेफ्ट हैंड को फ्री रखना है और हाथों को कभी भी कीबोर्ड के सारे नहीं रखना है, कीबोर्ड की तरफ देखना नहीं है, नोटपैड में हमेशा की जो टाइपिंग करनी है नोटपैड में करनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से टाइपिंग करनी है, कम से कम बैक स्पेस का यूज करना है और हमेशा 10 मिनट्स का जो शेड्यूल है जो शिफ्ट है वो हमेशा 10 मिनट्स की रखनी है ताकि एक अलार्म हम सेट कर सकें और खुद को इवेल्युएशन सही तरीके से कर सकें। उसके बाद टाइमिंग के बाद हमेशा जो है उसको सही तरीके से इवेल्युएट करना है और उसको नोट भी कर सकते हैं आप कि डेट वाइज की आज मेरी स्पीड इतनी है तो उन चीजों से भी हमें बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद जैसे हमने नोटपैड में टाइपिंग की है उसके बाद उसको कॉपी करके एमएस वर्ड में जरूर पेस्ट करें ताकि हम अपनी जो स्पीड का सही तरीके से इवेल्युएट कर पाए। उसका मैंने तरीका बताया कि डिवाइडेड बाय 10 करके आप जो स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं। मिस्टेक्स का मैंने बताया कि मिस्टेक्स को कम से कम करना है, भले ही हमें 5% रिबेट मिली हो या कितने में मिली हो, क्योंकि देखिए हमने रिटर्न क्वालिफाई करके आए हैं, फिजिकल में मेहनत करके आए हैं, तो अब बिल्कुल नजदीक पहुंच के अगर हम डूबते हैं तो ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, कीबोर्ड की जो सेटिंग है वो सही रखनी है, फ्रंट में रखना है अपने, और जो पेज की सेटिंग है पेज भी बिल्कुल अपने सामने रखना है। वॉच यानी कि घड़ी या फिर कड़ा नहीं पहनना है, पहन रखा हो तो वो उतार देना है, और जो हाथ की पोजिशन है वो स्टैंडिंग पोजिशन है, स्टार्टिंग स्लो करनी है और दूसरे की तरफ ध्यान नहीं रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। इन्हीं चीजों का ध्यान रख के आप बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइप कर पाओगे और एग्जाम में जो आपको पैराग्राफ मिला होगा उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई और डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो जो रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पता होगी तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।